Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है इस हरिनाम चिंतामणि के डिस्कोर्स में, प्रवचन चर्चा में सबको स्वागत है। तो आज हम शुरू करने के पहले आइए हम लोग थोड़ा मंगलाचरण पाठ कर लेते हैं। क्योंकि पहली बार शुरू कर रहे हैं तो मंगलाचरण कर लेते थोड़ा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को स्वागत है। और सब भक्तों को हम लोग देख पा रहे हैं, सबका नाम आ रहा है। जो लोग ऑनलाइन आ गए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए टाइम पे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हरिनाम चिंतामणि इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ के लेखक हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और भक्ति विनोद ठाकुर को आप सब जानते हैं, वो प्रभुपाद जी के जो गुरुदेव हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके पिताजी हैं, उनके गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बड़े हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उनके ग्रंथ मोस्टली सब बंगाली में लिखे हैं उन्होंने, कुछ इंग्लिश में भी लिखे हैं। उसमें से एक ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि है। अभी हम देखते हैं हरिनाम चिंतामणि का सब्जेक्ट क्या है, विषय वस्तु क्या है, वो देखते हैं। तो उसका कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हरिनाम चिंतामणि, इसमें जो वक्ता स्पीकर है हरिनाम चिंतामणि के, स्पीकर हैं हरिदास ठाकुर, वो प्रवचन कर रहे हैं। और उसके सुनने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु। मतलब हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु श्रवण कर रहे हैं। ये हरिनाम चिंतामणि है। और सब्जेक्ट है हरिनाम के बारे में बोल रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर के बारे में आप सब जानते होंगे। हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ब्रह्म हरिदास उनका नाम है। और ब्रह्मा जी ने कृष्ण लीला में, उनका थोड़ा अपराध हो गया था, इसलिए अपराध का मार्जन करने के लिए, अपराध से उनको अपराध से मुक्त होने के लिए
ब्रह्मा जी ने इस चैतन्य महाप्रभु के लीला में जानबूझ के निम्न योनि में अवतार लेने का उन्होंने वरदान मांगा था, तो इसलिए उनको यवन कुल में हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था। मुस्लिम थे वो जन्म से, और बांग्लादेश में बूढ़न ग्राम में उनका जन्म हुआ था। लेकिन भले वो मुस्लिम परिवार में जन्म हुए हो, लेकिन जन्म के साथ ही हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त थे, शुद्ध भक्ति कर रहे थे। और जैसे आप सबको पता है कि हरिदास ठाकुर प्रतिदिन डेली विदाउट फेल 3 लाख हरे कृष्ण का नाम जप करते थे। 3 लाख जप का अर्थ हुआ, अगर 1 लाख हम जप करते हैं भगवान का नामों का, 1 लाख नामों का जप करने में 64 माला करने से 1 लाख नामों का जप होता है। 16 माला हम लोग करते हैं, इसे लगभग 25,000 नामों का जप होता है 16 माला जप करने से, और 64 माला जप करने से लगभग 1 लाख भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, और 3 बार 64 माला जप करने से 192 राउंड करने से 3 लाख बार भगवान के नामों का उच्चारण होता है। तो हरिदास ठाकुर जी प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान का नाम उच्चारण करते थे, और उनको कभी कभी बहुत बड़े बड़े मुसीबतों का सामना भी उठाना पड़ा, क्योंकि बाय बर्थ मुस्लिम थे, इसलिए उनके हिंदू के भगवान के नाम का जप करने में बहुत बाधाएं आ रही थी, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, उनको 22 बाजारों में मारा गया था, फिर भी उन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था कि खंड खंड होय देह जाय यदि प्राण तबुना वदने न छाड़ी हरिनाम, ये उनका डिटर्मिनेशन था कि हम हरिनाम जप नहीं छोड़ेंगे। और हरिदास ठाकुर को एक उनकी बहुत फेमस लीला है कि हरिदास ठाकुर जब वृद्ध हो गए थे, उनसे और चला फिरा नहीं जाता था, बेड रिडन थे, और उनके गले में भी दर्द हो गया था, बोलने में दिक्कत होती थी, तो हरिदास ठाकुर एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में भगवान का मंगलारती दर्शन करके हरिदास ठाकुर को मिलने जाते हैं, और महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछते हैं कि हरिदास ठाकुर तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। हरिदास ठाकुर कहते कि प्रभु मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा मन ठीक नहीं है। तो महाप्रभु उनका ऐसा क्या तुमको टेंशन है, किस बात की तुमको चिंता है बताओ। हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु मेरा दिन भर मेहनत करने के बाद भी ये 192 राउंड ख़त्म नहीं होता है, और जैसे सुबह शुरू करते हैं जप करना तो 24 घंटा पूरा हो जाता है, लेकिन 192 राउंड 3 लाख जप नहीं होता, दूसरा दिन शुरू हो जाता है, तो फिर दूसरे दिन का जब 3 लाख शुरू करते हैं तो फिर तीसरा दिन लग जाता है, तो जो पेंडिंग राउंड वो कब करेंगे वो, ये उनका टेंशन था। जब 24 घंटा ही जप करेंगे तो आगे का पेंडिंग राउंड कब करेंगे जब। तब महाप्रभु ने कहा कि तुम वृद्ध हो गए हो, तुम बेड रिडन हो, इतनी निष्ठा करने की क्या जरूरत है, तुमको 192 राउंड नहीं कर सकते हो तो कुछ माला जप कम करो, इतना स्ट्रिक्ट तुम क्यों फॉलो कर रहे हो, ये नंबर को इतना स्ट्रिक्टली क्यों फॉलो करते हो। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नहीं प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए मैं 3 लाख जप करूँगा ही, उसके लिए अगर मुझे खाना छोड़ना पड़े तो ठीक है, मेरी नींद छूट जाएगी तो भी ठीक है, लेकिन मैं 3 लाख जप करते रहूँगा। तो ये हरिदास ठाकुर की निष्ठा थी नाम जप के प्रति, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपाधि दिया, क्या उपाधि, नामाचार्य, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर, ये उपाधि महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को दिया। तो हरिदास ठाकुर से हम सीख सकते हैं कि जब वो वृद्ध उम्र में बेड रिडन अवस्था में जो 3 लाख से कम माला करना नहीं चाह रहे थे, इवन भगवान खुद जिसका नाम जप करे वो खुद बोल रहे हैं कि कम जप करो, तो भी कम नहीं करना चाह रहे थे वृद्ध उम्र में हरिदास ठाकुर, तो फिर हमारी अवस्था कैसी, हम तो केवल 16 माला जप करना 2 घंटा, और 2 घंटा हमको खाली जप करना है, उसके दिन भर हम लोग बहुत कुछ कर सकते, कोई बाधा नहीं है, और हमको साक्षात भगवान भी बोलने नहीं आ रहे कि तुम माला 8 माला कम करो। हाँ, हरिदास ठाकुर साक्षात भगवान बोल रहे हैं कि माला जप कम करो, फिर भी नहीं कर रहे। तो हमें इनके जीवन से, हरिदास ठाकुर के जीवन से हम सीख सकते हैं कि फिर हमें अपने 16 माला के प्रति कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कितना
कठोर होना चाहिए 16 माला के प्रति। जब 3 लाख के प्रति हरिदास ठाकुर इतने कठोर थे कि भगवान के बोलने के बाद भी वो छोड़े नहीं जप करना, तो फिर हमें अपने 16 माला के ऊपर कितना कठोर होना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है कि किसी भी कीमत में कम से कम 16 माला करना ही चाहिए। एक भक्त ने कहा कि मेरे से 16 माला जप नहीं हो रहा है प्रभुपाद, मैं क्या करूँ। प्रभुपाद जी का फिर तुम सोना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, लेकिन 16 माला पहले जप कर लो। तो ये हरदास ठाकुर का संक्षेप में बताया मैंने। हरदास ठाकुर पुरी में रहते थे, सिद्ध बकुल धाम का जगह है अभी भी पुरी में, उनका हरदास ठाकुर का जगह जहाँ पर वो जप किए थे, भक्ति करते थे, वो जगह अभी भी पुरी में है, हम जाके देख सकते हैं। तो सिद्ध बकुल में हरदास ठाकुर रहते थे, महाप्रभु प्रतिदिन उनसे मिलने आते थे और आकर के अलग अलग बातों के ऊपर चर्चा होती थी दोनों के बीच में। बहुत सारे उनके बीच में कन्वर्सेशन चर्चाएँ चैतन्य चरितामृत में दी गई है, चैतन्य भागवत में दी गई है। तो वही कन्वर्सेशन को हरदास भक्ति विनोद ठाकुर ने इस बुक में प्रेजेंट किया है। और चैतन्य महाप्रभु को ने सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, कलयुग में आए और कृष्ण नाम प्रचार करने के लिए आए, कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए आए। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान होते हुए भी हरदास ठाकुर से ये क्यों सुन रहे हैं हरिनाम की महिमा। तो भगवान का चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव है, उन्होंने रामानंद राय से क्वेश्चन किया था और बहुत अच्छे अच्छे तथ्यों को उन्होंने प्रवचन के रूप में प्रकट किया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से, रूप गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी से, सबके भक्तों के द्वारा अलग अलग शिक्षाओं का प्रचार किया। सिमिलरली हरिदास ठाकुर के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम की महिमा का प्रचार करवाते हैं। भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं, तो मुख्य मुख्य अपने भक्तों के श्रीमुख से वो बुलवा के प्रचार करवाते हैं। जैसे भीष्म पितामह के श्रीमुख से उन्होंने प्रचार करवाया, तो इसी तरह यहाँ पर हरिदास ठाकुर के मुख से महाप्रभु प्रचार करवाने। तो आइए हम लोग अभी शुरू करते हैं। इस ग्रंथ का नाम है हरिनाम चिंतामणि। हरिनाम मतलब हरिनाम, चिंतामणि मतलब डायमंड ज्वेल, ऐसा मणि है, ऐसा डायमंड ज्वेल है, ऐसी मणि है कि जिसमें जो चिंता करे वो उससे मिल जाता है, उसको बोलते चिंतामणि। तो हरिनाम ऐसी चीज है आदमी जो मांगता है उसमें मिल जाता है, इसलिए इसका नाम है हरिनाम चिंतामणि। तो ये स्पर्श मणि से भी अधिक है। स्पर्श मणि तो कहीं पर स्पर्श करने से लोहे को सोना बना देती है, लेकिन चिंतामणि ऐसी है कि जो विचार करेंगे वो उसमें से प्रकट हो जाता है, वो चीज मिल जाती है। तो ये हरिनाम चिंतामणि है, इसका आरंभ करते हैं। अभी ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में कि श्लोक लिखा हुआ है, भक्त विनोद ठाकुर का हाथ से लिखा हुआ श्लोक है। ऊपर में बंगाली स्क्रिप्ट है, नीचे इंग्लिश स्क्रिप्ट है, और मैं गाऊंगा, आप साथ साथ में गाएगा मेरे, एक बार करके गाना होगा। तो हम चैप्टर 1 से शुरू करें। पहला अध्याय शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम लोग महाप्रभु का कीर्तन कर लेते। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। भक्तनो ठाकुर मंगलाचरण करने, पहला श्लोक मंगलाचरण का। गदाय गौरांगो जय जानवाजीवान, सीताद्वैत जय श्रीवासादि भक्त गण। गदाई मतलब गदाधर पंडित, गदाई गौरांगो, जैसे हम राधा कृष्ण बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं गदाई गौरांगो। गदाई मतलब गदाधर पंडित, राधारणी का अवतार, और गौरांगो चैतन्य महाप्रभु। जानवा जीवन मतलब जानवा माता के पति नित्यानंद प्रभु। तो गदाधर पंडित, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, सीताद्वैत मतलब अद्वैत आचार्य, और श्रीवास आदि मतलब श्रीवास आदि भक्तगण। तो इन सबको स्मरण करके
भक्तराम ठाकुर शुरू करते हैं। लवण जलधि तीरे नीलाचल श्री मंदिरे दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान। भक्तराम ठाकुर कहते हैं कि सागर के तीर पे, लवण सागर के तीर पे नीलाचल नाम का पर्वत है, वहाँ पर एक सुंदर मंदिर है, उस मंदिर में भगवान दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं। ये कौन से भगवान है? भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ जी दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए हैं, दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान। और उसी धाम में चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए हैं। जीवे निस्तारिते हरि अर्चारूपे अवतरे भोग मोक्ष करे न प्रदान। तो उस पूरी धाम में जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान अर्चा रूप में अवतार लिए, जगन्नाथ जी अर्चा रूप में अवतार लिए हैं और अवतार लेकर के भोग मोक्ष करे न प्रदान। तो जगन्नाथ जी क्या देते हैं? सब बद्ध जीवों को मोक्ष मुक्ति प्रदान करते हैं और जो भोगों की कामना करते हैं उनको भोग भी प्रदान करते हैं। तो जगन्नाथ जी बड़े कृपालु हैं, जिन जीवों को भोगों की इच्छा, भोगों की इच्छा भी पूरी करते हैं और मुक्ति भी प्रदान करते हैं। से धाम श्री चैतन्य मानवे करीते धन्य सन्यासी रूपे ते भगवान। कलिते जे जुग धर्मा बुझाईते तार मर्मा काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। उसी धाम में, सही धाम में श्री चैतन्य, पूरी धाम में चैतन्य महाप्रभु सब जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों को धन्य करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। सन्यासी बन करके महाप्रभु पूरे धाम में विराज कर रहे हैं, पूरे में लीला कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, जगन्नाथ का रथ यात्रा कर रहे हैं, सब भक्तों को आनंद वितरण कर रहे हैं, जगन्नाथ के सामने कीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, पूरे लीलाओं में डूबे हुए हैं चैतन्य महाप्रभु। और सब जीवों को कलयुग का युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण कर रहे हैं और सब जीवों को अपने परम धर्म के बारे में समझा रहे हैं। और काशी मिश्र के घर पे वो विराज करते हैं, काशी मिश्र घरे अवस्थान। बहुत भक्तों का कॉमेंट नीचे आ गए हैं, थोड़ा सबको दिखा देता हूँ। निज भक्त वृंद लाए निज कल्प तरु होए कृष्ण प्रेम देना सर्व जाने। निज भक्त वृंद लाए निज कल्प तरु होए कृष्ण प्रेम देन सर्व जाने। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के और कल्प तरु बन गए। कल्प तरु मतलब डिजायर ट्री, जो भी मांगे उसे मिल जाता है। तो कल्पतरु बन गए, कल्पतरु बन के कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं महाप्रभु। नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुने सुखी जीव शिक्षा देना सुजतने। नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुने सुखी जीवे शिक्षा देन सुजतने। तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों के श्रीमुख से अलग अलग कथाएं सुन रहे हैं और कथा सुन सुन के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। जैसे रामानंद राय को कुछ प्रश्न पूछा, उससे लोगों को शिक्षा मिल गई। सार्वभौम को कुछ प्रश्न पूछा, उससे लोगों को शिक्षा मिल गई। ऐसे एक एक भक्तों को पूछ रहे हैं और शिक्षा सबको मिल रही है। एक दिन भगवान समुद्रे करिया स्नान श्री सिद्ध बकुले हरिदासे मिलियानंदित मने जिज्ञासिला सयतने किसे जीव तरे अनायासे।
प्रभुर चरण धरी अनेक विनय करी गलद श्रु पुलक शरीर हरिदास महाशय कांदिते कांदिते कहे प्रभु तव लीला सुगंभीरा। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करने गए थे। एक दिन भगवान समुद्र करिया स्नान समुद्र में स्नान करके सिद्ध बकुल में आए। महाप्रभु प्रतिदिन समुद्र स्नान करने जाते हैं। समुद्र भी कितना भाग्यवान है जहाँ महाप्रभु डेली स्नान करते हैं। स्नान करके सिद्ध बकुल आए। सिद्ध बकुल के जहाँ नीचे वहाँ हरिदास ठाकुर जप करते रहते हमेशा। तो सिद्ध बकुल पे आए और वहाँ पर हरिदास ठाकुर से मिले। हरिदास ठाकुर के मिलके उनसे वार्तालाप शुरू हुआ। वैसे चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन आते थे हरिदास ठाकुर को मिलने और प्रतिदिन अलग अलग बातें पूछते थे और वार्तालाप होता था। एक दिन उन्होंने पूछ लिया, क्या पूछा, किसे जीव तरे अनायास, ये प्रश्न था। प्रश्न याद रखना होगा, किसे जीव तरे अनायास। तो जीव कलयुग के बद्ध जीव किस प्रकार से उनका उद्धार होगा अनायास, बिना मेहनत के बिना कठिनाई के सरलता से जीवों का उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर तुम मुझे ये बताओ कि जो जीव कष्ट पा रहे इस जगत में उनका उद्धार कैसा होगा, ये मुझे टेंशन, ये मुझे चिंता है, तुम कृपया मुझे ये बताओ। तो इस तरह से महाप्रभु ने ये प्रश्न पूछ लिया। थोड़ा मोबाइल का बैटरी लगा था ना लैपटॉप का। तो हरिदास ठाकुर ने जैसे ये पूछ सुना ये बात, हरिदास ठाकुर ने जैसे ही सुना हरिदास ठाकुर थोड़ा विनम्र हो गए कि भगवान हमको क्यों पूछ रहे ये बात। तो वो विनम्र होकर के प्रभुर चरण धरी अनेक विनय करी। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ के रोने लगे। गलद अश्रु पुलक शरीर, हरिदास ठाकुर रोने लगे, रोते रोते बोलने लगे, महाप्रभु आप मुझे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं, मुझे कांदिते कांदिते कहे, रोने लगे हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरणों में। प्रभु मुझे आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि जीवों का उद्धार कैसे होगा, इस प्रकार का मुझे प्रश्न पूछ के आप क्यों मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, आमियति अकिंचन नहि मोर विद्याधन। तार पर आमार संबल, तव पद आमार संबल, आमियति अकिंचन नहि मोर विद्याधन, तव पद आमार संबल, एन योग्य जने प्रश्न कोरिया कारणे, बोलो प्रभु हो बे कि वाफल। हरदास हे प्रभु मैं अधम अयोग्य व्यक्ति हूँ, मैं मुझे विद्या धन कुछ नहीं है, मैं सुशिक्षित नहीं हूँ, मैं बहुत विद्यावान नहीं हूँ, तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति को ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्यों मुझे ऐसा प्रश्न पूछ के आपको क्या फायदा होगा। फिर कहते हैं, तुम्हें कृष्णा स्वयं प्रभो जीव उद्धारिते विभो, नवद्वीप धामे अवतार, कृपा करे रांगा पाए राखो मोरे गौररा, तबे चित्त प्रफुल्ल आमार। हरिदास ठाकुर कहते हैं, तुम्हें कृष्ण स्वयं प्रभु, आप स्वयं कृष्ण हैं। हरिदास ठाकुर, हे महाप्रभु आप साक्षात कृष्ण हैं, आप परब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आपने नवद्वीप में अवतार लिया है, आप भगवान हैं,
आप मेरे साथ छल मत करिए, आप साक्षात भगवान हैं, इसलिए मुझे आपके चरणों में रखिए, कृपा करी रांगा पाए राखो मोरे गौर राय, मुझे आपके चरणों के नीचे रखिए तब मैं प्रसन्न रहूँगा। तुम्हारा अनंत नाम तवानंत गुण ग्राम तव रूप सुखे रसागर अनंत तुमार लीला कृपा करी प्रकाशिला ताया स्वादय पामर। अनंत तुम्हार अनंत नाम, हे भगवान आपके अनंत नाम है, बहुत आपके दिव्य पवित्र नाम है, और आपके तवा अनंत गुणग्राम, आपके अनंत गुण है, आप में इतने गुण है, गुणों के सागर है, और अनंत तुमार लीला, और आपकी लीला भी अनंत है, तो आपके नाम अनंत है, आपके गुण अनंत है, आपकी लीलाएं अनंत है, और आपका जो रूप है वो सुख अनंत सुख का सागर है। तो मैं ये सब आस्वादन करता हूँ, तो हरिदास ठाकुर क्या आस्वादन करते याद रखिए, भगवान के नामों का आस्वादन करते हैं, पहले नाम आता है फिर भगवान के रूप का आस्वादन करते, नाम के बाद रूप आता है फॉर्म, उसके बाद भगवान के गुण, फॉर्म के बाद गुण होते क्वालिटीज, गुणों अनंत गुणों का आस्वादन करते, और चौथा है भगवान की लीलाएँ। तो पहले नाम होता है, नाम के बाद रूप आता है, रूप के बाद गुण आते हैं, गुण के बाद लीलाएँ आती हैं, तो ये सब भक्त लोग आस्वादन करते हैं भगवान के नामों का, गुणों का, रूपों का, और नाम रूप गुण लीला ये क्रम है। चिन्मय भास्कर तुम्हें किरण रोकणामी तुम्हें प्रभु आमी नित्य दास। ये एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है कि चिन्मय भास्कर तुम्हें, हे प्रभु आप सूर्य हैं, आप सूर्य हैं और मैं आपके किरण का एक कण हूँ, आप प्रभु हैं मैं नित्य दास हूँ। तो जीव का भगवान के साथ ये संबंध है, भगवान सूर्य के जैसे हैं और जीव सूर्य के किरण के कण के बराबर है। तो सूर्य के किरण के कण में और सूर्य में क्या अंतर है और क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है? एक किरण का कण में जो ज्योति है ऐसा ही ज्योति सूर्य में भी है, तो गुण के हिसाब से क्वालिटेटिवली दोनों सेम है, लेकिन किरण के कण में जितना ज्योति है उसे कई गुना अधिक ज्योति सूर्य में है, इसका मतलब क्वांटिटिवली परिमाण में डिफरेंस है। तो जीव और भगवान का ऐसा संबंध है, भगवान और जीव गुण में एक जैसा है लेकिन परिमाण में भगवान अनंत है, महान है, बृहत है, जीव अणु है, तुच्छ है, बहुत छोटा है, ये दोनों में गुण में सेम है लेकिन परिमाण में डिफरेंस है, क्वालिटेटिवली सेम क्वांटिटिवली डिफरेंट। तो तुम्हें प्रभु आमी नित्य दास, जीव प्रभु हैं, सॉरी भगवान प्रभु हैं चैतन्य महाप्रभु और जीव उनके नित्य दास हैं। चरण पियुषतावा मम सुख सुवैभव तव नामामृत मोर आशा एमत्वधमामी कि बोलिते जानी स्वामी तब आज्ञा करी बो पालन। चरण पियुष तव मम सुख सुवैभव तव नामामृत मोर आश, आपके चरणों का पियुष मतलब रस अमृत वो मेरा सुख का वैभव है, और आपके नाम अमृत वो मेरी आशा है। मैं बहुत अधम हूँ, मुझे कुछ प्रवचन करना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, तो मुझे फिर भी आपने इतना बड़ा प्रश्न पूछा है तो मैं आपकी आज्ञा को कैसे नकार सकता हूँ, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और मैं आप जो पूछ रहे हैं मैं आपको बोलने का प्रयास करूँगा। जा बोला बे मोर मुखे
तुम्हारी बोली बो सुखी दोष गुण ना कोरी गणाना जा बोलावे मोर मुखे तुम्हारो बोली बो सुखी दोष गुण ना करी गणाना। तो हे प्रभु आप मेरे मुंह से जो बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगा, मुझे कुछ बोला नहीं आता है, इसलिए आप मेरे दोष और गुण को विचार मत करिएगा। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई, मैं अगर भूल बोल दिया तो आप उसको मार्जन करिएगा, अगर मैं ठीक से नहीं बोला तो आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि मैं भगवान जो हमें प्रेरणा दे रहे हैं आप मुझे वही मैं बोलने वाला हूँ, आपकी प्रेरणा से बोलूँगा। जैसे रामानंद राय कहते हैं कि मेरा जो कंठ है वो वीणा है और चैतन्य महाप्रभु आप वीणाधारी हैं, तो आप जैसे जैसे वीणा बजाएंगे वैसे स्वर मेरे कंठ से निकलेंगे। तो इसी प्रकार हरिदास ठाकुर भी कहते हैं कि आप जो मुझे बोलेंगे बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगा। तो यहाँ से अभी हरिदास ठाकुर बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ से सब्जेक्ट मैटर शुरू हुआ, अभी ध्यान से सुनेगा ये प्रवचन के बाद एंड में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है जो आप सुनेंगे तो उसको क्लिक करके आंसर दे पाएंगे। ठीक है अभी से शुरू हो रहा है, ये थोड़ा ट्यून भी चेंज हो रहा है यहाँ से अभी। एकमात्र इच्छा मैं कृष्ण सर्वेश्वर नित्य शक्ति योगे कृष्ण विभो परात्पर। हरिदास ठाकुर बोलना आरंभ किए, तत्व को बता रहे हैं। पहले इस अध्याय में, इस ग्रंथ में 15 अध्याय है। इस 15 अध्याय में पहला 3 अध्याय है, फर्स्ट 3 चैप्टर हरिनाम की महिमा 1 अध्याय में, 2 अध्याय में हरिनाम जप करने की पद्धति कैसे जप करना है और शुद्ध नाम क्या होता है, 3 अध्याय में नामाभास क्या होता है और नामाभास से मुक्त होकर कैसे शुद्ध नाम में आ सकते वो बताया गया, और 4 अध्याय से शुरू करके कंटिन्यूस 10 अध्याय 10 नाम अपराध के ऊपर एक एक अध्याय है, और लास्ट में 14th और 15th चैप्टर में इसका कंक्लूजन है हरिनाम चिंतामणि का कि हमें कैसे नाम जप से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, ये 15 अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं। एकमात्र इच्छा में कृष्ण सर्वेश्वर नित्य शक्ति जोगे कृष्ण विभु परात्पर। एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये सब यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सभी भक्त अच्छी तरह जानते हैं कि कृष्ण सुप्रीम है, परमेश्वर सर्वेश्वर और इच्छा में कृष्ण सब चीज़ों के ओरिजिन है। इवन नारायण विष्णु ब्रह्मा शिव समस्त देवता समस्त देवी समस्त जगत के आदि सोर्स स्रोत हैं कृष्ण परमेश्वर हैं, सब कुछ उनसे आया है। ठीक है, कृष्णा शक्ति कृष्णा होते ना होया स्वतंत्र जय शक्ति सही कृष्ण कहे वेद तंत्र। कृष्ण और कृष्ण की शक्ति अलग नहीं है, कृष्ण और कृष्ण की शक्ति एक है, जुड़ी हुई है। कृष्ण के और कृष्ण की शक्ति को आप अलग नहीं कर सकते, शक्ति और शक्तिमान हमेशा एक रहते हैं। कृष्ण विभू शक्ति तान वैभव स्वरूप अनंत वैभव कृष्ण हो एक रूप। कृष्ण विभू है, विभू मतलब जो वैभव जिनका हो वो विभू है। तो कृष्ण की जितनी शक्ति है वो शक्तियाँ क्या है, कृष्ण का वैभव है, इसलिए कृष्ण विभू है। और कृष्ण का वैभव कितना है, अनंत वैभव, कृष्ण का अनंत वैभव है इसलिए वो विभू है, सारी शक्तियाँ उनका वैभव है। तो शक्ति कितने प्रकार की आगे आ रहा है, शक्तिर प्रकाश जे से तो वैभव विभूर वैभव मात्र होय अनुभव।
शक्ति का जो प्रकाश है वो कृष्ण का वैभव है। तो जो विभु है, विभु को हम देख नहीं पाते लेकिन उनको वैभव को देख पाते हैं। जैसे आप सागर को देखते हैं तो सागर को देख के लगता है ना कि कौन सृष्टि करने वाला है, किसने इतना बड़ा सागर सृष्टि किया। सूर्य को देखते तो लगता है कि इतनी ज्योति कहाँ से आ रही है। चंद्रमा को देखते हैं, सब प्रकृति को देखते हैं, कुदरत को देखते हैं, तो ये भगवान का वैभव है। इसलिए दसवें अध्याय में भगवान विभूति योग, विभूति योग में भगवान ने बड़े बड़े वैभव को बताया, हिमालय, सागर, सुमेरु, ऐरावत, घोड़ा, उच्च स्तर का घोड़ा, सब अलग अलग वैभव को उन्होंने बताया। तो इसको वैभव कहते हैं, वैभव भगवान की शक्ति है। तो वैभव से भगवान विभु को हम जान सकते हैं। वैभव त्रिविध तव गौरांगो सुंदर चित अचित जीव तिन शास्त्र रघुचर। तो भगवान का जितना भी वैभव है उन वैभव को तीन भाग में भाग कर सकते हैं। वैभव मतलब शक्ति समझ लीजिए, भगवान का वैभव और शक्ति को तीन भाग में भाग कर सकते हैं। तो पहला होगा चित, चित मतलब चिन्मय स्पिरिचुअल। फिर अचित, अचित मतलब जड़ मटेरियल। और तीसरा जीव, जीव का अर्थ है जीव, लिविंग एंटिटीज। सो भगवान का जो वैभव है उसमें तीन भाग में वैभव को भाग किया जा सकता है, चिन्मय वैभव, चित वैभव, अचित वैभव भौतिक जगत में जो है ये जड़ जगत, जड़ वैभव। और एक जीव, जो जीव है जीवात्मा है, लिविंग एंटिटीज, तीन प्रकार का वैभव है। तो अभी याद रखिएगा ध्यान से, इसके ऊपर प्रश्न भी आएंगे। अनंत वैकुंठ आदि जतो कृष्ण धाम, अनंत वैकुंठ आदि जतो कृष्ण धाम, गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि जतो नाम, विभुज मुरलर मुरलीधर आदि जतो रूप, भक्तानंद प्रद आदि गुण अपरूप। व्रज रास लीला नव द्वीपे संकीर्तन, ऐ रूप कृष्ण लीला विचित्र गणन। तो ये बोल रहे हैं भगवान का चिद वैभव, स्पिरिचुअल वैभव भगवान का क्या क्या है बता रहे हैं। तो चिद वैभव में पहले हो गया अनंत वैकुंठ, अनंत वैकुंठ लोक है वो भगवान का चिन्मय वैभव है, ठीक है। अनंत वैकुंठ आदि जतो कृष्ण धाम, कृष्ण लोक, गोलोक, सब चिन्मय वैभव है। गोविंद श्री कृष्ण हरि आदि जतो नाम, तो भगवान के धाम चिन्मय, भगवान के नाम चिन्मय। नाम में क्या है, गोविंद श्री कृष्ण हरि, इसे भगवान के सब नाम चिन्मय है। और फिर तो नाम आ गया, धाम हो गया, उसके बाद रूप, रूप में द्विभुज मुरलीधर आदि जतो रूप। तो श्याम सुंदर मुरलीधर व नारायण विष्णु ये सब भगवान के अनंत रूप है, सब चिन्मय हो गया चिद वैभव। आगे व्रजला रासलीला नवद्वीपे संकीर्तन, ए रूपे कृष्ण लीला विचित्र गणन। और भगवान की लीलाएं भी चिन्मय वैभव है, रासलीला भगवान की चिन्मय वैभव है। व्रजे रासलीला नवद्वीपे संकीर्तन, और नवद्वीप में जो संकीर्तन कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये भी भगवान का चिन्मय वैभव है। वृंदावन की रासलीला और नवद्वीप का संकीर्तन दोनों भगवान का चिन्मय वैभव है। हे समस्त चिद वैभव प्राकृत होय, आसियाय प्रपंचे प्रापंचे कनाय। ये अच्छा सिद्धांत बता रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए कि ये जो चिन्मय वैभव है, ये भगवान गोलोक धाम से अगर पृथ्वी पे आते हैं नीचे तो भी उसको भौतिक व मटेरियल नहीं माना जाएगा, प्रापंचिक जगत में आने के बाद भी इसको प्रपंच के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए, ये आध्यात्मिक है। जैसे भगवान का नाम है, भगवान का नाम गोलोक से आया हुआ है, गोलोक एरो गोलोकेदो
हरिनाम संकीर्तन, गोलोक से हरिनाम संकीर्तन आया है। और भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम, सब कुछ भगवान के धाम से नीचे आया हुआ है, गोलोक धाम से पृथ्वी आया। तो इधर आने के बाद भी इनको भौतिक नहीं मानना है, भगवान के विग्रह। चिद व्यापार समुदय विष्णु तत्वसार, विष्णु पद बोली वेदे गाय बार बार, गोलोक रो प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन। थैंक यू। जैसे श्री प्रभु ने मानस चक्रवर्ती, चिद व्यापार समुदाय विष्णु तत्व सार, विष्णु पद बोली वेदे गाय बार बार। तो ये सब चिन्मय वैभव हो गया, इसको विष्णु पद बोल के वेदों में गाया गया है। तद विष्णु परमं पदम पश्यन्ति यत् सुरय दिविवा चक्षुरादितम्, ये जो मंत्र है इसमें चिन्मय वैभव को इंगित किया गया है। अभी हम लोग भौतिक वैभव क्या देख लेते हैं। कृष्णेरो चिद विभूताय विष्णु तत्व, एक मिनट, इस श्लोक नहीं है। कृष्णेर चिद विभूताय विष्णु तत्व शुद्ध सत्व, नायताय जड़ धर्म मायार विकार, कुछ प्रिंटिंग में भूल हुआ है। जड़ातीत विष्णु तत्व शुद्ध सत्व शान, शुद्ध सत्व रजस्तम गंध विरहित। ओके, इसका अर्थ बोल देता हूँ। कृष्णेर चिद विभूताय विशुद्ध सत्व, तो जो चिन्मय जगत का जितना भी चिन्मय वैभव है, वो चिन्मय वैभव को विशुद्ध सत्व कहते हैं। विशुद्ध सत्व का अर्थ है जो सत्व गुण है, लेकिन विशुद्ध सत्व गुण है। भौतिक जगत में तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भौतिक जगत के गुण हैं। लेकिन चिन्मय जगत में विशुद्ध सत्व गुण होता है। तो विशुद्ध सत्व गुण और सत्वगुण में डिफरेंस क्या है? सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, लेकिन विशुद्ध सत्वगुण में केवल सत्वगुण होता है, सत्व रजो तमोगुण का मिश्रण नहीं होता है। तो चिन्मय जगत में भगवान के जितने भी धाम है, भगवान के नाम है, भगवान की लीला है, भगवान के रूप है, ये पूरा प्योर गुडनेस है। एकदम गुडनेस मतलब प्योर गुडनेस, एकदम पवित्र शुद्ध सत्व। इसमें कहीं पर भी रजोगुण और तमोगुण का इतना छीटा फूटा भी नहीं है, संपूर्ण शुद्ध है। इसको बोलते विशुद्ध सत्व, वो सब विशुद्ध सत्व है। तो लेकिन रजस्तम मिश्र, शुद्ध सत्व रजस्तम गंध विरहित, मतलब शुद्ध सत्व में रजोगुण और तमोगुण का गंध भी नहीं होता है, गंध भी रहता। इवन वी कैन गेट स्मेल ऑफ दिस मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन, उसको बोलते शुद्ध सत्व। गोविंद वैकुंठनाथ कारण दक साई, गर्भोदक साई आर खिर सिंधु साई, आर जतो स्वांश परिचित अवतार, शेषब शुद्ध सत्व विष्णु तत्व सार। तो भगवान के गोविंद, गोविंद भगवान, नारायण भगवान, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरदक्षाय विष्णु, काणदक्षाय विष्णु और जितने भी भगवान के अवतार हैं, ये सब विशुद्ध सत्व में आते हैं। जो भी विष्णु तत्व मतलब विशुद्ध सत्व, विष्णु तत्व के नीचे जाने से मिश्र आ जाएगा। गोलोके वैकुंठ आर कारण सागरे, अथवा ये जड़े थके विष्णु नाम धरे, प्रवेशी ये जड़ विश्व मायार अधेश, विष्णु नाम प्राप्त विभु सर्वदेश ईश। मायार ईश्वर माये शुद्ध सत्व माय, मिश्र सत्व ब्रह्म शिव आदि सब होए। तो गोलोक में अथवा वैकुंठ में अथवा इस जगत में कहीं पर भी हो, कोई भी भगवान के अवतार अगर वो विष्णु नाम से जाने जाते हैं,
यहाँ विष्णु तत्व में आते हैं तो विशुद्ध सत्व है ये मान लेना चाहिए। चाहे कोई भी भगवान का अवतार हो, अगर वो विष्णु तत्व है, विष्णु भगवान है, तो शुद्ध शुद्ध सत्व है। और मिश्र सत्व ब्रह्मा शिव आदि सब हुआ है। और ब्रह्मा जी और शिव जी और बाकी जितने भी देवता हैं, देवी हैं, ये सत्वगुण में, लेकिन मिश्र सत्व गुण है। तो सब देवी देवताओं के जो गुण है सत्व गुण में जरूर है, लेकिन उनके सत्व गुण में रज और तमस का मिश्रण है। इतना अंतर है, इसको याद रखना होगा। थोड़ा और है, 5 मिनट में और थोड़ा करते हैं। ए समग्र विष्णु तत्व आर विष्णु धाम तव चिद्वैभव तव लीला ग्राम। हे प्रभु, जितने भी भगवान के असंख्य अवतार हैं, ये आपका चिन्मय वैभव है और सब विष्णु तत्व हैं, विष्णु धाम है, और आपका जितने भी असंख्य लीलाएं हैं सब आपका चिन्मय वैभव है। आपकी समग्र लीलाएं, आपका अनंत नाम, आपके अनंत धाम, सब आपकी चिन्मय लीला है, चिन्मय वैभव है आपका। तो भगवान का चिन्मय वैभव बहुत है, अनंत वैकुंठ लोक है, अनंत नाम है, अनंत लीलाएं हैं भगवान की सब लोकों में, ये सब भगवान का चिन्मय वैभव है। एक्चुअली वेद में लिखा है कि त्रिपाद विभूति और एकपाद विभूति, भगवान का चिन्मय धाम को त्रिपाद विभूति कहा जाता है, मतलब 3/4 चिन्मय जगत है और 1/4 भौतिक जगत है। भौतिक जगत भी बहुत बड़ा है, इसमें अनंत असंख्य ब्रह्मांड है इस जगत में। आगे वीर जा रहे पारे जतो वस्तु हो अचित वैभव तव 14 लोकमय। तो चिन्मय वैभव और अचित मतलब जड़ वैभव, अचिन्मय, दोनों का बॉर्डर लाइन क्या है? बॉर्डर लाइन है विरजा। विरजा नाम की नदी है, वो बॉर्डर लाइन है। इस नदी के उस पार चिन्मय वैभव है, विरजा नदी के उस पार चिन्मय वैभव है, विरजा नदी के इस पार जड़ वैभव है। बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो विरजा नदी है। तो विरजा ए पारे जतो वस्तु है, विरजा को दूसरे कारण समुद्र भी कहा जा सकता है। तो कारण सागर के उस पार चिन्मय वैभव है, कारण सागर के इस पार जड़ वैभव है। जड़ वैभव में क्या है? 14 लोक, 14 भुवन है। माया र वैभव बोली बोले देवी धाम पंचभूत मन बुद्धि अहंकार नाम। तो माया र वैभव, इस जगत को माया र वैभव कहा गया, माया देवी का वैभव कहा जाए गया है, और इसको देवी धाम भी कहा जाता है। ऐसे ब्रह्म संहिता में इस जगत को देवी धाम कहा गया है, और इसके बाद जो भौतिक जगत के और चिन्मय जगत के बीच में जो है उसको महेश धाम कहा गया है। उसके बाद महेश धाम के ऊपर वैकुंठ को हरिधाम कहा गया है। तो हरिधाम मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, महेश धाम बीच में, भौतिक जगत देवी धाम। तो देवी धाम में क्या है? पंचभूत मन बुद्धि अहंकार नाम। ये भौतिक जगत 8 तत्वों से बना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में इन 8 तत्वों का बताते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारम इति यमे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्वों से देवीधाम भौतिक जगत बना है। इस भौतिक जगत में 14 भुवन है। तो 14 भुवन के नाम यहाँ दिए हुए हैं, आप सबको याद रखना है। देखिए मेरे साथ बोलिए। ए भूलोक भूवर लोक आद स्वर्ग लोक महर लोक जन तम सत्य ब्रह्म लोक अतल सुतल आदिर निम्न लोक सात माई कवै भव तव सुनो जगन्नाथ। 14 भुवन का नाम
भूलोक, हम जिस लोक में रहते हैं उसका नाम भूलोक है, इसके ऊपर भूवर लोक है, इसके ऊपर उसके बाद 3 नंबर स्वर्गलोक है, 4 नंबर महरलोक है, 5 नंबर जनलोक है, 6 नंबर तपलोक है और 7 नंबर सत्यलोक है। सत्यलोक का दूसरा नाम ब्रह्मलोक है। नीचे 7 है, अतल, वेतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पातल। तो नीचे 7 लोक, ऊपर 7 लोक, इसको मिला के 14 भुवन होता है। इस 14 भुवन को मिला के एक खाली ब्रह्मांड बनता है। 14 से पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक मिलके 14 भुवन है, इसको मिला के एक ब्रह्मांड होता है। मतलब जब हम आकाश में रात को देखते हैं और हमारी नज़र जितने दूर तक जाती है, हमारी नज़र जो कुछ हम देख रहे हैं चारों ओर नज़र से आकाश में, वो सब मिला के केवल एक ब्रह्मांड होता है, ओनली वन यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर हमारी नज़र नहीं जा सकती है। तो ये एक ब्रह्मांड हो गया। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड कारण सागर में बुलबुलों की तरह तैर रहे हैं, बुदबुदों की तरह तैर रहे हैं कारण सागर में, विरजा नदी में कारण सागर में तैर रहे हैं। कारणदक्ष साई जो विष्णु है उनके रोम कुपों से ब्रह्मांड निकलते हैं। चिद्वैभव पूर्ण तत्व माया छाया तार, चिदणु स्वरूप जीव वैभव प्रकार, चिद्धर्म वशत जार स्वतंत्र गठन, संख्यानंत सुख तार प्रयोजन। तो हम 2 वैभव का बात बता चुके हैं, एक चिन्मय वैभव जो चिन्मय जगत में है भगवान के नाम रूप गुण लीला, और जड़ वैभव, जड़ वैभव 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आदि, इसमें 14 भुवन से ब्रह्मांड बनते हैं। और तीसरा वैभव चिद अणु स्वरूप, चिद अणु स्वरूप जीव, जीवात्मा है जो चिन्मय कण है, सूर्य का कण होता है रश्मि का कण, ऐसे आत्मा भी एक चिन्मय कण है। तो चिन्मय कण रूपी जो जीवात्मा है भगवान का तीसरा वैभव है। और क्योंकि ये आत्मा चिन्मय है, कॉन्शियस है, कॉन्शियस बींग है, जड़ मैटर नहीं है, तो कॉन्शियस है, इसलिए इनको सुख पाने की इच्छा है, इनको सुख चाहिए, सुख प्रयोजन। और इनकी संख्या कितनी है, संख्या अनंत, अनंत संख्या में, जैसे सूर्य की, कभी कभी आप देखेंगे सूर्य के किरण से घर में एक जो प्रकाश आता है उसमें कण देखेंगे, असंख्य कण दिखते हैं, इतने सारे 1 इंच की जगह में असंख्य कण होते हैं। इसी प्रकार जीवात्मा उससे भी सूक्ष्म है, तो असंख्य 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 चित कण है, वो सब जीवात्माएं हैं, वो भगवान का और एक वैभव है। और इनको सुख चाहिए, सुख का अन्वेषण कर रहे हैं, सुख का, सुख को ढूंढ रहे हैं वो लोग आत्मा। तो फिर क्या होता है, से सुख हेतु जारा कृष्ण रे वरिलो, कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे रे रहिलो। तो ये सुख पा रहे थे, सुख के ढूंढ रहे थे, सुख के लिए जब उन्होंने भगवान को अप्रोच किया, कृष्ण को सुख पाने के लिए, तो कृष्ण के पार्षद बन गए और कृष्ण की सेवा में लग गए। जारा पुन निज सुख करिया भावना, पार्श्वस्थित माया प्रति करिलो कामना। लेकिन कुछ जीव सुख पाने के लिए कृष्ण की तरफ नहीं देख के उन्होंने माया की तरफ देखा और कृष्ण को छोड़ के विमुख होकर के अलग से माया का सुख भोगने की इच्छा की। तो ऐसे जीवों को माया ने बांध लिया और माया ने उनको बांध लिया। से सब नित्य कृष्ण बहिर्मुख होइलो, देवी धामे माया कृत शरीर पाइलो। ते लोग कृष्ण से अलग हो गए और देवी धाम में भौतिक जगत में उनको भौतिक शरीर प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हम कल आगे पाठ करेंगे कि कैसे जीवात्मा भगवान से विमुख हुआ और कैसे अलग हो गया, अलग होने के बाद उनकी क्या दशा होती है और उनसे भगवान कैसे उनको उस माया के चक्कर से निकालने के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, ये सब आगे कल हम बात करेंगे कल। और ये पहला चैप्टर का आधा भाग हुआ, फर्स्ट चैप्टर हाफ हुआ और रिमेनिंग हाफ हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर कुणाल गुप्ता,
हरे कृष्णा, थैंक यू हरि बोल। पूजा अग्रवाल, सब लोग यूट्यूब में दिख रहे हैं कमेंट में। हरे कृष्ण प्रभु जी, सतकोटि धन्यवाद प्रणाम। क्या है सत्वगुण और मिश्रित सत्वगुण? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, मैं क्वेश्चन को उठा लेता हूँ ऊपर ताकि आप लोग सब देख पाए। ओके, इनका क्वेश्चन है, डज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ विशुद्ध सत्वगुण और मिश्रित? हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त सत्वगुण में आते हैं, विशुद्ध सत्वगुण में आते हैं। हाँ, भगवान के शुद्ध भक्त विशुद्ध सत्वगुण में आते हैं जरूर। ओके, और कोई प्रश्न है? 22 बाजार मीन्स 22 मार्केट और मार्केट नेम, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके ऊपर हमने रिसेंटली चैतन्य चरितामृत में सर्च किया तो वहाँ पर लिखा है कि हरिदास ठाकुर को एक एक बाजार में लेके गए थे, एक बाजार में मारा, दूसरी बाजार में मारा, ऐसे लिखा है कि 3-4 बाजार में मारने के बाद लोग मर जाते थे, लेकिन इनको 22 बाजार तक मारा गया, फिर भी मारे नहीं। इसका मतलब अलग अलग 22 बाजारों में ले जाया गया था। एशिया पैसिफिक मार्बल अध्यक्ष माधव हरिभोर, संजय चौधरी प्रभु, विनोद महातो प्रभु, जसस्वी प्रभु। तो 2-3 मिनट बाकी है, कल सबको फिर से आना है ऑनलाइन, और कोई सजेशन होगा, कमेंट होगा तो इधर लिखिए या व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, और कुछ कमेंट, अगर कुछ इम्प्रूव करना, कुछ प्रॉब्लम होगा तो भी लिखिएगा, मैं इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिदास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबको कि अभी तुरंत हम MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ रहे हैं, तो आप लोग उसको आंसर देंगे, आपको अच्छा लगेगा, जो सीखे उसमें से आंसर देंगे। और ये जस्ट यही है आज के लिए, और साधना चार्ट भी बहुत सिंपल है, उसका लिंक छोड़ेंगे, वो भी कृपा करके फिलअप कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद सबको। हरे कृष्णा। शुद्ध सत्वगुण, कोई प्रश्न है इधर? अमिताभ नाग प्रभु, क्या प्रश्न है? शुद्ध सत्वगुण अंदर लॉ ऑफ मटेरियल नेचर, शुद्ध सत्वगुण अंदर लॉ ऑफ मटेरियल नेचर नहीं है, शुद्ध सत्वगुण लॉ ऑफ नेचर नहीं है, उसके बाहर है। राघव अग्रवाल, आपका प्रश्न कहाँ गया? ओके, अंदर चला गया प्रश्न। अमिताभ नागपू, आपका प्रश्न दोबारा पेस्ट कर दीजिए। अमृत वर्षा लिखा था किसी ने। ठीक है, जय जय।
हरिदास ठाकुर का दर्शन करा देता हूँ थोड़ा लास्ट में। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑफ करते हैं।